हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो होगी रेडी टू वेयर साड़ी किस तरीके से बनाते हैं। जिस तरह से मान लीजिए आप ये वाली साड़ी है, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जिन लेडीज़ को साड़ियाँ पहनना नहीं आता है किस तरीके से पहनते हैं, उनके लिए रेडी साड़ी, रेडीमेड साड़ी जिन्हें बोलते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं। तो जो हमारी माता बहनें जो भी घरों में जो बनाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है ये, कि आपको किस तरीके से रेडी टू वेयर साड़ी बनानी है। जैसे ये इस टाइप की साड़ी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी साड़ियां हैं, कोई सी भी, जैसे ये सब रेडी टू वेयर साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की साड़ियाँ आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको आज की वीडियो बनाने बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। घर पर भी आप बिना पैटर्न के सब बिना पैटर्न के आप बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ उससे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इसके लिए ये मैं अभी सॉफ्टवेयर पर बताऊँगा। अभी इसमें मैंने वो PDF ओपन कर लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या लेना होता है, मान लीजिए इसकी पिक्चर है, मैंने डाउनलोड की हुई है, इसको ही मैं खोल लेता हूँ। फैब्रिक फुल बेड, जैसे इतनी आपकी साड़ी जितनी बेड में है आपको वो लेनी है। सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट का पैटर्न बना देता हूँ। आप घर में चाहें तो सीधी सीधी बेल्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्मॉल साइज के लिए बनाता हूँ। सबसे पहले हम सेंटीमीटर हो रखा है, इसको मैं इंच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। प्रेफरेंस सेंटीमीटर से आप इसको ये इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। न्यू पीस में जाएंगे, क्रिएट एन आर्क पीस, यहाँ पे आप डाल देंगे विड्थ में कितनी चौड़ाई, मान लीजिए मुझे बेल्ट की चौड़ाई 1.25 इंच की लेनी है, और कमर कितनी रखनी है, मान लीजिए कमर है मेरी स्मॉल साइज में हम 28 इंच बना रहे हैं, तो 4th पार्ट हो गया 7 इंच, और इससे 1/2 इंच प्लस करके हम नीचे का एरिया रख लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से ये सेट वेस्ला बेस, ये हाफ पीस टूल लेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। अब इसकी ग्रेन चेंज कर देते हैं, सेट वेस्लाइन डायरेक्शन टूल लेके ये ग्रेन करनी है आपको, और इसी ग्रेन पर जाके रोटेट टू इनिशियल वेस्लाइन, ये आपका रोटेट हो जाएगा। ग्रेन गाइडलाइन आपकी बीच में आ रही है, बाहर जा रही है, तो न्यू वेस्लाइन पर आप क्लिक कर दोगे वो अंदर पहुँच जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, इस पर इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। फ्रंट बेल्ट इस पर लिख देते हैं, और इसको इसकी इंफॉर्मेशन डाल दूँगा मैं, कट टू मटेरियल जो भी होगा आप सेल्फ में भी फिल कर रहा हूँ इसके ऊपर, इसको सेल्फ कर देंगे, और सेम इस पर बैक वाली बेल्ट है तो इसके ऊपर हम बैक बेल्ट लिख देंगे, इसको भी पेयर कर देंगे, कट जितने रहेंगे कट टू इसके इसको भी लिख देंगे, और मटेरियल इस पर सेल्फ लिख देंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टम पे आप प्लॉटर पैटर्न बना रहे हो तो उसके लिए, जो भी लेडीज हैं जो भी घर पे आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए आप चाहो तो सीधी सीधी बेल्ट ले सकते हो। इसको मैं सेव कर देता हूँ साड़ी के नाम से डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये बेल्ट मेरी बनके रेडी है। जो भी लेडीज घर में ये सब बनाएंगी तो घर में इस तरीके से बना नहीं सकती हैं, वो आप चाहो तो जितनी आपको कमर रखनी है उतना ही एरिया सीधा सीधा आप बना सकते हो पैटर्न। जैसे मान लीजिए 28 रखना है तो मैं न्यू वेस्ट लेन जाऊँगा, क्रिएटर रेक्टेंगुलर पीस लूँगा, यहाँ पर पूरी फुल वेस्ट ले लेंगे, 28 इंच वेस्ट है, विड्थ आप मान लो 1/2 इंच रखनी है तो आप 1/2 इंच की विड्थ ले लोगे। तो ये घर में सीधा सीधा आप बेल्ट बना सकते हो इस तरीके से इसकी,
ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये मेरी बेल्ट बन गई ऊपर की। अब बात करें ये सब एरिया जो आपका साड़ी का एरिया किस तरीके से बनाना है। इसको आप चाहें तो घर में आपकी साड़ियाँ जो भी वेस्ट साड़ी पड़ी हुई हैं जिनको आप पहन नहीं पाते हो उनको आप तैयार करके बना सकते हो, पहन सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यू पीस में जाएंगे, क्रिएट रेक्टेंगुलर पीस, इस पर हम साड़ी लिख देंगे। लेंथ आप अभी मान लीजिए मैं 100 इंच रख रहा हूँ और वेड्थ में रख देता हूँ फैब्रिक की जितनी आती है साड़ी की 40 इंच। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे का जितना हमारा एरिया है 7.5 इंच उसके हिसाब से बनाएंगे। अभी मैं इस बेल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसके हिसाब से, इसी से ही आप समझ जाओगे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बता दूंगा आपको जो घर में आपको बनाना है उस पैटर्न उसके हिसाब से, बिना पैटर्न के जो बनाते हैं आप। 7.5 इंच है फ्रंट की, हम सबसे पहले बेल्ट बनाएंगे। 15 इंच हो गया ये एरिया, और आपका फ्रंट फ्रंट का 15 इंच एरिया हो गया, प्लस इसमें आप डाल दोगे फ्रंट फ्रंट में मान लीजिए 1 इंच की डार्ट और एक एक और एक 2 इंच की डार्ट हो जाएगी, 15 और 2 17, 17 इंच का एरिया हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ये मेरा फ्रंट का हो गया। अब मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर का। अब हम क्या करेंगे कि डार्ट टूल लूँगा मैं इस पॉइंट से 3.5 इंच पे या 3.25 इंच पे आप ले सकते हैं, मैं 3.25 इंच पे ही ले लेता हूँ। सेंटर से 3.25 इंच पे डार्ट का पॉइंट ऐड कर लेंगे और 1 इंच इनटेक में फ्रंट में रख लूँगा। लेंथ डार्ट की रखेंगे 4 इंच, ये हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लेफ्ट साइड में भी डाल देंगे हम 3.25 इंच पे 1 इंच की डार्ट और लेंथ वही 4 इंच की। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटर फ्रंट हो गया। इस पर मैं नोच लगा देता हूँ और टेक्स्ट टूल यूज करूँगा जिसकी शॉर्ट की है टी, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो सेंटर फ्रंट। ठीक है, ये हो गया है हमारा। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये आपका तैयार हो के ये इसके बराबर फ्रंट बन गया हमारा। ठीक है, ये वाली साइड राइट साइड ये पलट के इस तरफ आएगी, तो लेफ्ट साइड के लिए हम साइड में इसमें जिप लगती है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड आ गई, ये वाली साइड सीम बन रही है। तो डार्ट टूल लेके इसमें हम डार्ट ऐड कर लेंगे, जिप जहाँ पे लगेगी कम से कम वहाँ वहाँ पर 2 से 2.5 इंच की डार्ट इंटेक रखेंगे। 2.5 इंच की डार्ट ले लेता हूँ मैं इसमें, और डार्ट की लेंथ रखूँगा मैं इसकी 9 इंच, कम से कम 9 इंच रख देंगे, क्योंकि जिप लगेगी हमारी 2.5 इंच की, सॉरी 8 इंच की जिप लगेगी। तो इस एरिया को आप चाहो तो यहाँ से कट भी कर सकते हो, तो इसको हम कट आर्ट का एक बार टूल देख लेता हूँ मैं, कटिंग डार्ट बाय आर्क। ये कट गया, इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे 7 इंच एरिया 8 इंच जिप लग जाएगी, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा नीचे की तरफ, तो इस पर हम लिख भी देंगे लेफ्ट साइड जिप 8 इंच। ये हो गया, ओके कर देंगे। इसका एंगल चेंज, डायरेक्शन चेंज करनी है, एंगल में आप 90 डिग्री डाल दोगे। टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो इसके लिए भी आप 0.625 कर देता हूँ और इसको बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा हमारा डार्क हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये आपकी साइड तैयार है। अब बात करते हैं बैक की, तो वही साइड से हमारा यहाँ से 4.25 इंच पे डार्ट आ जाएगी, तो ऐड और रोटेट डार्ट टूल लेके यहाँ से 4.25 इंच पे यहाँ पर डार्ट ऐड कर लेंगे। बैक की जो डार्ट रहेगी वो रखेंगे हम 1.5 इंच की, क्योंकि तो बैक में थोड़ा सा हमारा फैब्रिक चाहिए होता है एक्स्ट्रा। इसको हम 4 इंच कर देंगे। अब यहाँ से सेंटर से 6.25 इंच आपका वो बीच का हो रहा है एरिया, 6.5, ये हो गया, और फिर हम 1.5 इंच पे
ये डाट ऐड कर देंगे। ठीक है, 4.5 इंच की, 4 इंच की ये हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं साइड सीम की। तो ये वाली जो डाट आएगी इस तरफ आ जाएगी, राइट साइड के लिए डाट। तो यहाँ से 4.25 इंच पे एक और डाट आ जाएगी। ये जो डाट रहेगी ये हमारी वही, हम साइड के हिसाब से जितना गहरी नहीं रखेंगे, पर हम इसको ना 1.5 इंच की फिर भी रख लेंगे। तो लंबाई इसकी लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगी, लंबाई इसकी वही 5 इंच तक रख सकते हो, 4.5 से 5 इंच। मैं 4 इंच ही रख लेता हूँ, उसकी ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाला एरिया हमारा बनके तैयार है, डार्ट वाला एरिया। डार्ट हमने किस लिए डाली है, ताकि हमारा फैब्रिक, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल सके। ठीक है, तो जब ये हमारा घूम के अंदर वाला एरिया आएगा इस तरीके से, तो ये कम से कम हमारा हिप का एरिया कवर करे। 39 हमारा स्मॉल साइज आप बना रहे, तो कम से कम 39 इंच फैब्रिक हमारा इसमें चाहिए ही चाहिए। ये जो ओपन हो रहा है तो ओपन नहीं होना चाहिए। ये डार्ट जब प्लीट जब ओपन होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका ये हिप पे टाइट हो रही है साड़ी। तो हिप पे हमारी कवर लूज हो सके, इसीलिए हम इसमें डार्ट ऐड करते हैं। तो जो भी आप घर पे आप बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको डार्ट का आपको कंपलसरी है, आपको डालनी ही डालनी है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिवाइड करके, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप डार्ट डालोगे, तब जाके आपको फैब्रिक, मेरा यहाँ से यहाँ तक का फैब्रिक 39 इंच मुझे मिल गया है। ठीक है, तो एक इससे क्या होगा कि ये हिप पे फंसेगा नहीं। अब हम बात करते हैं, ये अब हमारा ये राइट साइड हो, ये साइड हमारी आएगी इस तरफ। ठीक है, इस तरीके से घूम के आ जाएगा। अब इस वाले एरिए में, राइट साइड एरिए में, ये घूम के फ्रंट में जाएगा। ये हमारा अंदर का पूरा बेस तैयार हो गया साइड तक का। अब हमारा बनेगा यहाँ से ये प्लीट वाला एरिया। अब ये जो होता है मेरा, सेंटर से कम 1 इंच बाहर की तरफ हमारी प्लीट शुरू होती हैं। तो यानी कि सेंटर हमारा कितना बन रहा था, 7.5 इंच बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से 7.5 इंच और 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा जो हमारा सेंटर से आउट जाएगा, 8.5 इंच, 8.5 इंच पे हम नोच लगा देंगे ये। ठीक है, ये आपका पल्लू वाला एरिया है जो आपका घूम के बाहरी तरफ उस पर आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, साड़ी की जो आपकी प्लीटें डलनी हैं, ये जो प्लीटें हैं इनके हम लिए हम फैब्रिक ऐड कर देंगे। तो फैब प्लीट जो रखेंगे हम, कम से कम 5-5 इंच गहरी रखेंगे, यानी 5-5 10 इंच कपड़ा जाएगा एक प्लीट के अंदर। तो मैं ऐड पॉइंट यूज करूँगा यहाँ से 10 इंच, ग्रेड और कर्व दोनों साथ कर देंगे। फिर उसके बाद 10 इंच, 5 प्लीट हैं तो कम से कम 50 इंच आपका फैब्रिक जाएगा इसमें। फिर यहाँ से 10 इंच, और फिर 10 इंच। अभी इसको मैं बढ़ा देता हूँ, और मान लीजिए इसको मैं 80 इंच बढ़ा देता हूँ अभी और। तो मेरी 1 2 3 4 4 प्लीट हो गई, और फिर 10, 5 प्लीट हो गई। अब यहाँ पे मैं नोच ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आप चाहें तो ड्राफ्ट टूल यूज करके थोड़ा सा लाइन भी एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें, ताकि इस सामने वाले को दिखता रहे जो भी कारीगर है उसको बना रहा है। तो इसको हम मूव इंटरनल, जिसकी शॉर्ट की आई, यहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, कॉपी भी हो जाएगा। तो हमें बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उठा के आपको एक दूसरे के ऊपर यहाँ से यहाँ तक आप डाल दे जाए इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी क्या प्लीट डल के रेडी होगी। इनकी मैं डायरेक्शन के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ कि किस तरफ जाएंगी ये प्लीटें। यहाँ से इस तरीके से इस तरफ प्लीटें ड्रॉ होंगी। ठीक है, सेम फिर टूल यूज करूँगा इसको ही, मूव और कॉपी इंटरनल। इससे फिर हम इसको दोबारा से इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा पैटर्न यहाँ तक बन के तैयार हो गया साड़ी के इस तक, इस एज तक। प्लीटें भी आ गई हमारी इसमें। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फैब्रिक लेके जाएंगे घूम के, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से ही घूम के पूरा फैब्रिक जा रहा है हमारा इतना, तो कम से कम हमारा हिप एरिया कवर करे, 39 इंच हमने लिया, उतना फैब्रिक और आएगा प्लीट के बाद में।
ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लीट से, प्लीट के बाद आपको कितना और फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा बैक पल्लू तक अच्छे से जा सके, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो प्लीट डलने गई हमारी इसमें, ये प्लीट डल गई। अब यहाँ के बाद हमें कितना कपड़ा चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरा प्लीट का तो रेडी हो गई। अब ये यहाँ से घुमा के समझ लो हमारा हिप एरिया जितना आता है 39 इंच, 40 मान लेते हैं, 40 इंच तो हमारा कम से कम इतना कपड़ा यहाँ तक चाहिए। अब यहाँ से साड़ी जहाँ से पहनी जाती है शोल्डर से और वेस्ट, HPS से वेस्ट तक, जहाँ तक हमारी लोअर वेस्ट रहती है, तो कम से कम 20 इंच करीब वो एरिया होता है आपका। तो 40 20 60, 60 इंच फैब्रिक ये हो गया शोल्डर तक का। अब बात करते हैं पल्लू की। तो पल्लू कम से कम हमारा 45 से 50 इंच तक रहता है, इसका 45 तक जा रहा है। 45 भी अगर आपको रख रहे हो तो 60 और 45 आपका हो गया 105 इंच, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा इस डार्ट से लेके लास्ट, जहाँ से डार्ट ख़त्म हो रही है प्लीट, वहाँ से यहाँ तक का एरिया ये मेरा मुझे चाहिए कम से कम 105 इंच। तो मैं इसको 105, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, कितना आ रहा है ये 82 इंच आ रहा है, इसको हम बढ़ा लेते हैं। ये आपका हो गया 94 और इसको मैं 11 इंच बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया आपका 105 इंच। अब ये मेरा बनके तैयार है, ठीक है साड़ी का। अब जो भी हमारे घर पे जो बना रहे हैं, जिनको स्कर्व वाली डार वो बनानी नहीं आ रही है, आपको बेल्ट किस तरह की शेप वाली है, ज़्यादातर घरों में क्या होता है, घर में जो लेडीज़ बनाती हैं तो उनको सीधा सीधा आप बेल्ट बनाते हो, तो अब उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसको सिंपल सा बेल्ट आपकी ये सीधी सीधी हो गई, डार्ट वगैरह का प्रोसेस आपका सीधा सा यही रहेगा। तो अब मैंने जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का हाफ एरिया जो मैंने लिया है, मैं फ्रंट का एरिया मैं नापूँ तो ये मैंने यहाँ से लिया है 15 इंच, क्योंकि इसी इसके हिसाब से लिया था मैंने, इस आगे साथ आगे साथ 15 इंच नीचे का एरिया आ रहा था। अब आप क्या करोगे, यस 28 इंच आ रहा है आपको, 28 को 4th पार्ट यानी कि 28 28, आपको सीधा इंच 28 इंच चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप इसको 7 दूनी 14 इंच, 14 इंच ले लोगे इधर, 14 इंच ले लोगे इधर, ठीक है रेडी के लिए। बाकी डार्ट तो आपको लेनी ही लेनी है तुम्हें, ठीक है। तो बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा जो आप बिना पैटर्न के बनाना चाह रहे हो। बस आपके लिए अब सीधा सीधा बता दूँ, कम से कम 200 इंच, 202 इंच आ रहा है मेरा, तो आप 205 इंच फैब्रिक आपको चाहिए ही चाहिए लंबाई में। 205 इंच का मीटर में बता देता हूँ आपको, इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 205 × 2.54, 5 20, यानी 5.25 मीटर आपका कपड़ा चाहिए साड़ी, साड़ी के लिए, ठीक है। तो आपकी साड़ी बन जाएगी उसमें, ठीक है। इस तरीके से आपका ये साड़ी का पैटर्न बन के रेडी है। अब बात करते हैं इसके नीचे लाइनिंग की, क्योंकि अलग से तो आप कुछ पहनोगे नहीं, जो आपकी घरों में साड़ियाँ पहनती हैं उनमें अलग से पहनती हैं अंदर, तो इसके लिए हम इसमें लाइनिंग इसी के अंदर ही अटैच करके बनाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम आपका जितना एरिया आपने हमने लिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैंने लिया है आपका 7.5 इंच लंबाई, इस 40 आ रही है तो इससे 1 इंच माइनस कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पीस क्रिएट एंड आर्क पीस, ये हो गया। वही सेम प्रोसेस है, कमर ले लेंगे आप 7.5 इंच, ठीक है। लंबाई ले लेंगे 39 इंच और विड्थ जो रहेगी 19 इंच ले लेते हैं, तो ताकि ये 29, सॉरी ये गलत बन गया है, 3 10 आर्क पीस में जाएंगे दोबारा से, और लंबाई मुझे जहाँ डालनी थी लंबाई आपकी 39 इंच ही आएगी, 39 इंच, वेस्ट आएगी 7.5 इंच, 7.5 प्लस आपका डार्ट के लिए ले लेते हैं हम 1 सवा इंच, तो 8.75 इंच, 19 इंच आपका कमर हो जाएगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको क्या करेंगे, इसकी सेंटर से क्रीन कर देंगे चेंज इसकी, और इसको रोटेट करके सेट ऑफ टूल जिसकी शॉर्ट की एच है, इसको यहाँ से
ओपन कर देंगे। ये हो गया, ये आपकी लाइनिंग बनके तैयार हो गई। इस तरीके से आपका इसमें आ जाएगा ऐसे। अब डार्ट वाली जगह जितनी भी एरिया आपने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे हम डार्ट ऐड कर देंगे। डार्ट टूल लिया, सेंटर से वही 3.25 इंच पे ऊपर वाला जो फैब्रिक है डार्ट का उसके बराबर ही डार्ट हम एंट्रिक ले रहे हैं दूरी। और यहाँ पे 1.25 इंच ये हो गया, और लंबाई 4 इंच जो ली थी हमने ये 4 इंच ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये आपकी बन जाएगी लाइनिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, फ्रंट बैक लाइनिंग ये हो जाएगी पेयर, और ये कट टू इस तरीके से ये आपका साड़ी कट वन में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये साड़ी का पैटर्न बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का, आप घर में भी बना सकते हो। जो भी आपका वेस्ट साड़ी है जिनको आप पहन नहीं पा रहे हो, पहनने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, वहाँ से आप इसको बना सकते हो। इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगी आपकी साड़ी। ठीक है, घर में बनाने वालों के लिए आपको 202 इंच यानी 2.5 मीटर का आपको फैब्रिक लेना है लंबाई में, और चौड़ाई आपकी 40 जितनी फैब्रिक की विड्थ होती है आपकी साड़ी की, चौड़ाई जितनी है उतना फैब्रिक ले लेना चौड़ाई के अंदर। इस तरीके से लाइनिंग बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के देखने के लिए दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ सकूँ।